आप सब? आई होप आप सब अच्छी होंगे। मैं सरिता उत्तराखंड से, और आप सभी का अपना चैनल सरिता जौनसारी ब्लॉगर में हार्दिक स्वागत है। अभी दिन के 12:30 बजे का टाइम हो रहा है, तो अब मैं दिन में खाना बनाने की तैयारी भी कर रही हूँ। और तो आज दिन के लिए मैं खीरे का रायता भी बना रही हूँ साथ साथ, क्योंकि काफ़ी सारा दही भी बची हुई थी और खीरा भी मेरे पास काफ़ी सारी हो गई थी, क्योंकि कुछ मेरी खुद की किचन गार्डन में हो गई थी और कुछ लोगों ने भी दी थी आस पड़ोस से, तो काफ़ी सारी खीराएँ हो गई थी। तो मैं पहले इसको यहाँ पर अच्छे से छील लूँगी और उसके बाद मैं इसे कद्दूकस करूँगी। और कद्दूकस करने के बाद मैं जो बीच का भाग है वो मैं नीचे वो नहीं कद्दूकस करूँगी, ये मैं ऐसे ही रहने दूँगी क्योंकि इससे रायता अच्छा बनता है। और ये मैं सारा ही कद्दूकस कर लूँगी। आधी खीरा ली थी मैंने, पूरी खीरा नहीं ली थी क्योंकि दही भी कमी ले रखी है मैंने। और यहाँ पे मैंने जो रायते के साथ मसाले डालने हैं वो भी मैंने सारे ले लिए। यहाँ पे मैंने घर का पिसा हुआ नमक भी ले लिया है, और जो और मसाले भी वो भी मैंने सारे ही रख लिए यहाँ पे। और अब मेरी लगभग खीरा सारी मैंने कद्दूकस कर दी, और इसमें से मैं पानी भी निचोड़ दूंगी, और जो पानी है ये अलग कर दूंगी, और जो खाली खीरा है ये मैं इसमें मिक्स कर दूंगी दही के साथ, क्योंकि इससे रायता बहुत अच्छा बनता है। और देखिए कितना सारा पानी निकल गया है, बहुत सारा पानी निकल रहा है खीरा से ना, तो ये मैं इसमें नहीं डालूंगी। ये यहाँ पे मैं सबसे पहले दही को अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और इसके बाद जो मसाले डालने हैं वो डाल दूँगी इसमें। सबसे पहले मैं यहाँ नमक ले रही हूँ, ये हरी मिर्चों से बना रखा मैंने, और काफ़ी सारे मसाले डाले हुए हैं इसमें। और साथ साथ मैं यहाँ पे ये लाल मिर्ची से बना रखा है मैंने, तो दो प्रकार का नमक बना रखा है मैंने यहाँ पे, पहाड़ी नमक, तो मैं ये भी मिक्स कर दूँगी इसके साथ, क्योंकि इससे अच्छा सा स्वाद आ जाएगा। इन दोनों के साथ ना अलग अलग मसाले मिले हुए हैं। और यहाँ पे मैं आधा टीस्पून जीरा पाउडर ले रही हूँ, ये मैंने भून के रखा हुआ था। और साथ साथ मैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी ले रही हूँ, ये भी मैं आधी चम्मच लूँगी, ज़्यादा नहीं लूँगी, और इससे अच्छा कलर भी आ जाएगा। तो ये सब मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी, और इसे रायते में बहुत अच्छा स्वाद आ जाएगा। अब यहाँ पे रायता अच्छे से बनके तैयार हो गया, मैंने सारे मसाले इसमें अच्छे से मिक्स कर दिया, नमक वगैरह सारा ही, बस अभी अच्छे से बनके तैयार हो गया है। और कल हस्बैंड मार्केट गए थे, तो मैंने कुछ फल मंगवा लेते थे, कुछ तो क्या पर सेब मंगा लिए थे मैंने 2 केजी करीबन, और फल तो मैंने नहीं मंगाए वैसे, क्योंकि और फलों में से जैसे केला है तो केला यहाँ मिल जाता है, और वैसे उनको टाइम भी नहीं लगा था इतना, तो मैंने केवल सेब ही सेब मंगा लिए थे 2 केजी करीबन। मैंने कहा चलो कभी और दिन जाएंगे तो मंगा लूँगी। और सब्जियों में मैंने यहाँ पे भिंडी मंगा ली थी, और 1 केजी करीबन मैंने भिंडी मंगाई थी, तो ये मैं इसमें टोकरी में खाली करके रख दूँगी, और इसको मैं अच्छे से धो के रख दूँगी अब थोड़ी देर में। और 2 केजी करीबन मैंने लौकी भी मंगा ली थी, और ऐसे हमारे घर में ज़्यादा लौकियाँ खूब सारी बनती रहती हैं, और ऐसे भी आजकल पहाड़ी लौकियाँ आ रही हैं। और साथ साथ 1/2 केजी करीबन टमाटर मंगा लिए थे, और ये भी मैंने हस्बैंड से मंगाए थे कल, तो लेके आ गए थे। और ये भुट्टे हमारे पड़ोसियों ने देते, काफ़ी सारे भी दे रखे हैं, और कुछ तो हमने इसमें से खा भी लिए। और चलिए फ्रेंड्स, मैं ब्लॉग का एंड कर देती हूँ। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।